नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तीन दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाले दो आरोपी को बड़ौदा पुलिस ने दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 12 नग मोबाइल, स्कूल से चोरी किए गए पंखा व नकदी रकम कुल 65,000 रुपए लगभग किया गया बरामद। आरोपियों द्वारा बड़ौदा नगर में एक रात्रि में तीन दुकान का शटर का ताला तोड़कर दिया था चोरी की घटना को अंजाम। प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी विनोद देवार उम्र 23 वर्ष निवासी देवारपारा बलौदा एवं मुकेश देवार उम्र 19 वर्ष निवासी शांति नगर जांजगीर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा अपने साथी विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर MTL मोबाइल दुकान बलौदा से रिपेयरिंग मोबाइल की चोरी करना व जैन डेली नीड्स बलौदा में शटर ताला तोड़कर नकदी रकम 1300 रुपए व गुल्लक पेटी को चोरी कर ले जाना बताया तथा साथ ही तीनों मिलकर दिनांक 23 मार्च 2022 के दरमियानी रात शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हिया देवरी में 5 नग सीलिंग फैन पंखा तथा स्कूल का राशन सामान को चोरी कर आपस में बांट लेना, राशन सामान को खा पी कर खर्च कर देना बताएं। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 12 नग मोबाइल कीमती 60,000 रुपए तथा 3 नग सीलिंग पंखा कीमती 4500 रुपए एवं जैन डेली नीड से चोरी किए कुल 600 रुपए को बरामद कर दोनों आरोपियों को दिनांक 18 मई 2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में सम्मिलित विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक शेख सफी, अरुण कौशिक, अवधेश तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक जीवंती कुजूर, आरक्षक अमन राजपूत, हेमंत साहू, संतोष रात्रे, श्याम राठौर, मोहम्मद शहबाज, देवराज लसार एवं साइबर सेल आरक्षक विवेक सिंह व चिरंजीव का सराहनीय योगदान रहा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।